स्टिक का यूज़ क्यों करना चाहिए उसका रीज़न इसमें दिखाया गया है। और जब अलग अलग घर से अलग अलग नेचर के डॉग्स आते हैं और वो सब साथ में रहते हैं तो लड़ाई होना आम बात है। इस सीन में ये जो इतनी भयानक फाइट देख रहे हो उसका रीज़न इतना शॉकिंग है कि आप बिलीव नहीं करेंगे। मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम अब हॉस्टल में आ गए हैं। आज मैंने एक काम करने का सोचा है, क्योंकि लोगों को क्या बात करना बहुत ज़्यादा आता है, काम किसी से होता नहीं है। मैंने एक काम करने का सोचा है, वो जो मैं आपको दिखाता हूँ। हमने मंगाई है ये स्टिक हमने बनवाई है पर्सनली। वो इसलिए बनवाई है क्योंकि यार स्ट्रीट डॉग्स को बहुत ज़्यादा घाव वगैरह पड़े हुए हैं अभी। उसका रीज़न है मेटिंग सीज़न के वजह से डॉग आपस से लड़ लेते हैं और उन फाइट में उनको दांत लग जाते हैं और वही दांत उनकी मौत का कारण बनते हैं। तो फ्रेंड्स, लोगों के भरोसे बैठने से अच्छा है खुद अपने हाथों से कुछ काम कर लिया जाए। लोगों पर लांछन उड़ाने से अच्छा है खुद कोई धर्म के काम कर लो। तो ये स्टिक हमने जो बनवाई है, इससे हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रीट डॉग जो होंगे इनके घाव वगैरह पड़े हुए रहेंगे उसे पकड़ने में ये हमारे काम आएगी। और लोगों को फ़ोन करके बुलाना या किसी संस्था वालों को बोलना वो एक अलग बात हो जाती है, खुद क्या कर सकते हो उस पर डिपेंड करता है। तो हमने ये बनवाया है, इससे हम लोग किसी भी डॉग को पकड़ कर उसका वहीं पर इलाज करके उसे छोड़ देंगे। इससे होगा ये कि किसी को फ़ोन करने का या किसी को बुलाने की ज़रूरत तो रहेगी नहीं, पर उसको थोड़ा रिलीफ हो जाए और हो सकता है वो बच जाए। क्योंकि ज़्यादातर मेटिंग सीज़न में डॉग जब फाइट करते हैं उनको घाव हो जाते हैं, घाव में कीड़े पड़ जाते हैं, उसकी वजह से ही उनकी डेथ हो जाती है। बहुत से डॉग्स तो इसी वजह से मर जाते हैं। तो हम अब उनकी हेल्प करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। किसी को भी फ़ोन करें तो वो यही कहेगा या तो आप हमारे सेंटर पर ला लीजिए, या वो कहता है कि आप लोग वेट करें, हम लोग आएंगे आएंगे आएंगे। और इतने में ना तो हमारे पास इतना टाइम रहता है ना उनके पास इतना टाइम रहता है कि उस डॉग पर नज़र रखी जाए, घंटे दो घंटे चार घंटे पाँच घंटे वहीं पर रुका जाए। वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ रही थी, मैं अपने आप को भी देख रहा था कि स्ट्रीट डॉग्स को इतनी बुरी हालतों में लोग चलते हुए जाते हुए देख रहे हैं लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा है। तो अब हमने सबका भरोसा छोड़ कर खुद के हाथ में काम ले लिया है। तो मुझे जो भी डॉग्स दिखेंगे जो मुझे मैं काबू कर सकूँगा ये गाड़ी में ही रखूँगा, उससे एक बार काबू करके एक बार तो उसको दवाई लगा ही देंगे। टैबलेट देने की कोशिश करेंगे, ले लिया तो ठीक, नहीं तो दवाई लगाने से उसको रिलीफ तो मिलेगा और हो सकता है शायद बच जाए। अच्छे काम करने से होगा सर, बातें करने से नहीं। और बहुत से लोग होते हैं ये है वो है वो है, उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कुछ तो हूँ ना, तुम तो कुछ भी नहीं हो। इसे क्या हुआ, ये हॉस्टल के बाहर ऐसे क्यों बोला, क्या हुआ बाबू? गुड बॉय, इसको बहुत सारे टिक्स है, ये इस टाइप से पकड़ कर और इसको ऐसे खींचेंगे तो ये लॉक हो जाएगा, फिर ये डॉग कहीं नहीं भाग सकेगा। इसको परेशान नहीं करते क्योंकि ये सो ही रहा है शायद, और इसको बहुत टिक्स है यार। एक काम करो, टिक्स वाली दवाई लेके आ, इसको डाल देते हैं। चलो उठो उठो, पकड़ा हुआ था यार, छोड़ दिया गया मैंने। ओहो, उठते हो, चलो चलो उठो, बस जा लिया, पकड़ लिया इसको जा लेके। ऐसा हो गया, सारे टिक्स मर जाएंगे। चलो 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 चलो, गुड गुड गुड, चलो बस। हाँ, इसको बीमार भी है और छीछड़े पड़े हुए बहुत सारे।
ये वो स्प्रे है जो हम कीड़े पड़ने पर डॉग पर अप्लाई कर सकते हैं, और जिसके पास ये नहीं है और इमरजेंसी हो तो आप तारकोल का तेल या फिर पेट्रोल भी यूज कर सकते हो। ये सील पैक ही है और हमने हॉस्टल में ला रखी है कि अब कुछ स्ट्रीट डॉग को हमें भी हेल्प करनी पड़ेगी। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, दूसरों पर लांछन उठाने से कुछ नहीं होगा। करना है तो कुछ अच्छे काम करो तो दुनिया याद रखेगी, नहीं तो हेटर्स को तो कुछ ना कुछ बोलते ही जाते हैं और उनकी आत्मा मर चुकी होती है एक्चुअली। वैसे मैं और एक बात बता दूँ कि इससे पहले मैंने एक और अपने आप से वादा किया था कि जब भी मैं स्ट्रीट रोडों पर या कहीं भी किसी भी जानवर को मरा हुआ देखूंगा तो उसे वेट नहीं करूंगा कि कोई दूसरी गाड़ी आके उसको चपटा कर दे, पूरा रोड पर बिछ जाए, बिखर जाए। जब भी मुझे कोई ऐसी डेड बॉडी दिखेगी एनिमल्स की तो मैं कोशिश करके 2 मिनट का वक्त निकालूंगा और उसको वहाँ से हटाऊंगा। ऐसा ऐसा करते मैंने अभी तक इसी महीने से मैंने ये प्रण लिया था, तो 5 जानवर मैं हटा चुका हूँ जिसमें से 2 तो डॉग्स थे जो एक्सीडेंटली डेथ हो चुकी थी। मैं पहुँचा, मैंने उनकी बॉडी को हटाया रोड से। 2 मैंने चंद्र को बोल तो अब जो राजस्थानी है उन्हें पता होगा, एक लिजर्ड टाइप रहती है, बड़ी छिपकली कह सकते हो जंगली, वो एक बड़ी थी। उसे भी रोड पर किसी ने चिकत दिया था, एक बार गाड़ी निकलने का तो मर तो गई थी, लेकिन अगर वो वहीं पड़ी रहती तो उसका कादा निकल जाता, तो मैंने उस चीज़ को भी उठा के साइड किया। और जब मैं हॉस्टल आ रहा था तो उसी का एक छोटा बच्चा भी मिला जो यहाँ एयरपोर्ट के आसपास था, उसको भी मैंने साइड किया। तो अब से आप भी कुछ अच्छी चीज़ करने का प्रण लो अपने आप से, इसमें किसी को बोलने की किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि क्या पता मुझे देखकर कुछ और लोग भी ऐसा करें तो हो सकता है ऊपर वाले को आप पसंद आ जाएं। हम तो पसंदीदा है ही है, इसलिए हमारे पास तो दोनों लोग हैं, लवर्स भी है हेटर्स भी है। अब सबको बाहर निकाला जा रहा है। ये देखो फिर परेशान करने लग गया, ये नो नो। अरे तुम सब इससे मिल लिए हो भाई, नो ऊपर नहीं, ऊपर तो चढ़ना ही नहीं। मैं ये डंडी हटा दे, ये ऊपर चढ़ेगा देखना हो। ये देखो ये मेरे वजह से ही रुका हुआ है, फिर ये इस पर बाइट करेगा देखना। नो सुनता नहीं हटो 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 ना, फिर ऊपर चल ना। इसके ऊपर कोई नहीं चढ़ेगा, कोई नहीं चढ़ेगा इसके ऊपर। परेशान बंद करो इसको परेशान करना, दूर रह। कर एक दो को बाइट कर, जब भी मानेंगे ऐसे मानेंगे नहीं, नो बोला ना। ये मैगी के साथ रह रही है तो सब सोच रहे ये भी पीरियड्स पर है यार। नो कर रहा हूं ना तुझे, बोल तो कर रहा हूं उसको।
इसके क्या हो रहा है? हाँ तो अब तूने मस्तियाँ की है तो ये मस्तियाँ करेगा देख। अब इस मस्ती हाँ तो इस मस्ती में कोई भी आएगा तो तुम्हारा दबोच देगा उसको। अंगे वाचू अंगे तो अंगे लक्की तो अंगे। हाँ बस अब इसके सामने कोई आएगा फट करते भजड़ा खाएगा इससे। मैं तो दूर हट जाता हूँ। ए नो 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 स्लो मोशन में देखते हैं। यहाँ बर्फी सबसे पहला हमला करता है विस्की पर। ये यहाँ बाइट करने की कोशिश की, बाइट हुई नहीं। फिर ये आगे की तरफ स्पीड थी इसलिए आगे दौड़ता हुआ आया। आते ही एरो के पास रुका, ये अपना स्टॉप कर रहा है। इतने में ही एरो ने हमला कर दिया इस पर। ये स्पीड इतनी थी कि आपने वीडियो में देखा कुछ सेकेंडों की बात थी ये। और इस दौरान किसी भी डॉग को कितनी भी लग सकती है, अगर स्टिक ना रखी जाए तो फिर इसे छुड़ाएं कैसे अचानक में? दोनों को दूर करेंगे तो ये जो एक दूसरे को बाइट कर रहे हैं वो बाइट हमें भी तो कर सकते हैं ना, हम भी डैमेज हो सकते हैं और फाइट का कभी कैसे भी वो बन सकती है। अब जैसे कि यहाँ देख रहे हो खेलते खेलते फाइट बन गई अचानक सडनली, तो फाइट का कुछ नहीं कह सकते, अलग अलग घर से होते हैं इसलिए। बस 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 शांत 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 कहा था ना झगड़ा हो जाएगा और झगड़ा इसकी वजह से। क्या किया तूने? बाइट करता है गुड विस्की। विस्की चाहता तो इसको बहुत ज्यादा डैमेज कर देता। इतने बड़े ग्राउंड में आप समझ रहे हो ये डॉग अगर अपनी तरफ से मस्ती भी करना चाहे तो नहीं कर सकते, बहुत सी बातें बीच में आती है। तो कैसे मैं इनको अनलिमिटेड प्यार करना चाहूँ तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे प्यार करने से भी ये बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे और फिर क्या होगा आपने अभी जस्ट देखा। ये डॉग्स की बातें हैं, कभी कभार कुछ कुछ हो भी जाता है, उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। सेफ्टी रखनी ज़रूरी है सबकी, नहीं तो पूरे दिन में कुछ नहीं होगा लेकिन सिर्फ एक 5 मिनट पूरे दिन में ऐसा आएगा कि उस समय अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो सारे डॉग एक दूसरे को डैमेज कर देंगे सारे के सारे, तो वो ओनर्स को अच्छा नहीं लगेगा और इनको खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसमें बहुत से डॉग्स तो वो पिटीजेंगे जो बेचारे कुछ नहीं करते हैं, बहुत भूले बच्चे हैं, बचेंगे तो वो खूंखार वाले या जिसमें दम होगा वो, तो वो अपन थोड़ी ना चाहेंगे। इस वजह से डंडी यूज़ करते हैं, या आप यही मान लो कि पूरे दिन डंडी से ही ट्रेनिंग देते हैं। बस हमें उस चीज़ों से मतलब नहीं रहता, हमें मतलब रहता है यहाँ प्रैक्टिकल करने से। बस आज हम देने वाले हैं डॉग बिस्किट्स। तुझे क्या कहा था कि विस्की को प्यार ज़्यादा मत कर, फिर ये ओवर एक्साइटेड होगा और फिर है ना कोई इसको मारेगा और ये फिर मारना चालू रखेगा, देखा था? फिर बहुत अच्छी बात है, बाइट किसी को भी नहीं लगी। और ये झगड़े की वजह कौन बना पता है? ये बर्फीड़ा, इसने विस्की को पीछे से बाइट किया। फिर विस्की यहाँ आके सोच रहा था कि इसको बाइट किसने किया, जितने में एरो इसके ऊपर आ गया और कान पकड़ने लग गया, तब फिर विस्की को गुस्सा आया। हाँ मैंने देखा एरो ने जानबूझ के उसका कान पकड़ा, स्लो मोशन में देखे ना। इसको लक्की को इधर आओ, चलो इधर इधर
ये भी खा रही है।